गाइस, कैसे हो? ठीक ठाक मजे में टाइट। आज मैं आपको सैंडल बनाने का तरीका सिखाऊंगा। जैसे कि ये सैंडल है, ठीक है, और ये दोनों खुल गई हैं। जैसे ये देखें, ये यहाँ से खुल गई है, ठीक है। एक पैर यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा तरीका। एक पैर यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है, ये सीमेंटेड है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से या कहीं से मिल सकते हैं। 70% होगा या 100 का होगा, इतने का होगा। और ऐसी सैंडल बनेगी 6 महीने तक, पानी में भी यूज कर सकते हैं आप और खुलेगी नहीं। जैसे कि ये है सैंडल और मैं अभी कोशिश करता हूँ उसको अच्छी तरह से बनाने की, ठीक है। तो ट्राई करते चलो। पहले इसको हम साफ करें किसी अच्छे कपड़े से, जो अच्छा कोई कपड़ा हो उससे साफ करें, ठीक है ना। तो चलो हाथों से ही कर लेते हैं, मतलब हाथों से इतना साफ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन कम लगती है। ये है सीमेंटेड, अभी हम इसको लगाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके इसको लगाना है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये नया है, इसको ऐसे करके पिल्ला के ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। मैं पूरा तरीका बताऊंगा और इंशाल्लाह वही तरीके करना आप, बहुत ही अच्छी सैंडल बन जाएगी लेडीज, ठीक है ना। तो ये हम लगाना अभी शुरू करते हैं इसको ऐसे ऐसे करके। ये पहले कोनों पर लगाना है ऐसे, पूरे कोने पे सही से, ठीक है। फिर सही से लगा के यहाँ से ऐसे प्रेसे, अब ऐसे ऐसे, ठीक है जी। ये लग गई, ये देखिए आप, ये सॉल्यूशन लग गई, ठीक है। अब इसको बीच में लगाना है थोड़ा सा, हल्के से, ठीक है जी। ये हो गई एक शॉट। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसको हाथ से मसलना है, ऐसे करके हाथ से मसलना है इसको, ठीक है जी। देखे, और इंशाल्लाह ये जो मैं बना रहा हूँ आज, ये तकरीबन 6 महीने तक इंशाल्लाह खुलेगी नहीं, ठीक है। इसको ऐसे मसल के पूरा इसको लगाना है तकरीबन। इसको ये ऐसे सीमेंटेड है, ये अच्छी चीज बन जाएगी और पानी में भी पहन सकते हैं बना इसको, पानी में भी नहीं खुलेगी। मसल लिया हमने इसको और इसको रखते हैं सूखने के लिए, ठीक है। इसको सूखने के लिए रखें, अभी चिपक रहा है, इसको उल्टा करके सूखने के लिए रखेंगे तो, ठीक है, अभी बाद में चिपक रहा है। तो अब आ गया इसका ये सोल। अब सोल पे कैसे लगाना है? सोल पे भी ऐसे ही लगाना है बिल्कुल, यहाँ से शुरू करना है ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सेम वैसे ही लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे। और ट्राई करना, इंशाल्लाह आपकी चप्पल कभी भी खुलेगी नहीं जी। और मैं ट्राई करके देखा है, यहाँ पे सॉल्यूशन लग गई, यहाँ पे लग गई, बीच में लग गई, दायरे में लग गई, हर चीज में लग गई सॉल्यूशन, ठीक है। अभी इसको भी ऐसे ही मसलना है, इसको भी ऐसे ही मसलना है यूं करके, यूं। देखें, ये हो गया, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, इधर इधर से सॉल्यूशन उठाई और यहाँ पर बीच में मिला के दरारों में, ये दरारें भी भरनी है ऐसे ऐसे करके यूं सारे में मतलब लगना चाहिए अच्छी तरह से। वो इसको तकरीबन 1 घंटा सुखाने के लिए लगता है, ठीक है। ये देखें, इस पर मैंने लगा दी। अब इसको मैं सुखाने के लिए लगता हूँ यहाँ पे ऐसे, अभी हाथों में चपक रहा है तकरीबन। इसको आधा घंटा, कम से कम तो आधा घंटा, वैसे 1 घंटा होता है, आधा घंटा आपने ना इसको सुखाना रखना है जी। तो ये मैंने रख दिया है, अभी पूरे पे सूख रहा है, पंखे की हवा पे सूख रहा है ये। लेकिन इसको आधा घंटा या घंटा तो पूरा छोड़ना है, इसको आराम से छोड़ना है। उसके बाद इसको हम पेस्टिंग करेंगे। पेस्टिंग कैसे करेंगे वो सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा, कैसे करेंगे वो भी तरीका बताऊंगा और फिटिंग करने का भी तरीका बताऊंगा, क्योंकि इधर उधर नहीं हो जाए सॉल्व, ठीक है जी। तो गाइस अभी 1 घंटा हो गया पूरा, ठीक है। अब आपने चेक करना है इसको ऐसे ऐसे करके, ऐसे हाथ में लेने और चेक करना है, ऐसे ऐसे बिल्कुल चेक करना है, सूख गया नहीं सूख गया, अभी सूख गया। ये देखें हाथ पर, ये वाली उंगली नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि ये वाली उंगली में सीमेंट लगा हुआ है, इस पर चिपकेगा, ठीक है ना। आपने पूरा हाथ लगाना है ऐसे, तली लगानी नीचे से, ठीक। अभी सूख गया ये, और ये भी इसका सोल जो है ये भी। अभी मिस्टेक कहाँ पे नहीं करनी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वैसे मैं पूरी वीडियो बनाता तो शायद बहुत बड़ा टाइम लग जाता, मैं शॉर्टकट में इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि शॉर्टकट में देखने में आपको मजा आएगा, ठीक है।
काफ़ी सारी लड़कियों ने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किए थे कि भाईजान आप हमें कोई लेडीज की चीज़ बना के दिखाएं। अभी मिस्टेक यहाँ पे नहीं करनी, देखें इसको पेस्टिंग कैसे करना है। पेस्टिंग करने का ये देखा, ये देखें ये यूँ रखा इधर, और अब ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यूँ ऐसे ऐसे इसको ना आपने प्रेस करना है, बिल्कुल देखें ऐसे प्रेस हो गया, ठीक है। अब इसको हथौड़े मारने, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ हथौड़े कैसे मारने। यूँ डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मारोगे तो सैंडल का शेप ही उड़ जाएगा, ठीक है। मैं भी दिखा रहा हूँ कि इसको हथौड़े कैसे मारते हैं। ये रहा कपड़ा, ठीक, फोल्ड करते हैं इसको, ऐसे लगाया हमने तो यहाँ पर रखा, इसको अभी हथौड़े मार लेते ताकि मजबूत हो जाए, ठीक। अभी ठीक यहाँ पे भी ऐसे करना है, ये साइड पे भी, ये यहाँ पे कपड़ा रखा उसको यहाँ पे ऐसे, ठीक, और इसको भी यहाँ पे ऐसे, इसको भी ऐसे ऐसे रख के यूँ मारना है, ठीक है। अभी इस पट्टी को, क्योंकि ये बक्कल है, बक्कल पे मारेंगे टूट जाएगा, ठीक। अभी यहाँ पे कपड़ा रखना है ऐसे, मैं आपको दिखाऊंगा इसको खींच के भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी आगे से भी ऐसे करना है, आगे से भी ऐसे करना है, आगे रख दिया कपड़ा, ठीक है, और आगे से भी ऐसे करना है, यूँ मारना, इतनी जोर से भी नहीं ताकि सोल ना टूट जाए, इतनी जोर से नहीं मारना है। ये हो गया तैयार, ठीक है। अभी देखा हाथ में लग गया, हाथ में लग गया, ख्याल करना आपको भी लग सकता है, बच गया। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हर काम में, ये गलतियाँ तो होती रहती हैं, ठीक है, थीके? अपनी सेहत का भी साथ साथ ख्याल रखना। अभी ये हो गया तैयार, ठीक, हो गया तैयार, देखें कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, ठीक है ना, देखें ये देखें, हो गया तैयार, ठीक। अब दूसरे को भी ऐसे सेट करना है। गाइस अभी ये सैंडल तैयार हो गए और इसको हम देंगे अभी शाइनिंग, क्या शाइनिंग, देखें पूरी तरह से तैयार है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये देखें इतना अच्छा बन गया है, मतलब ये खाली रिपेयरिंग का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी इसको हम शाइनिंग देंगे, ये सरसों का तेल है और इससे हम थोड़ा सा जो कपड़ा है वो डुबोएंगे और शाइनिंग खाली पट्टियों में देनी है, नीचे सोल वगैरह किसी चीज़ को नहीं देनी क्योंकि उससे सोल खराब हो जाए। देखिए देखिए ये डुबोया हल्का हल्का इसमें मसला और इसको शाइनिंग आ रही है, देखें देखें कितना शाइनिंग आ गई, ठीक है जी, ये पूरा इसको मसल दिया और शाइनिंग भी आ गई, पट्टियों के अंदर भी शाइनिंग आ गई, ठीक। अब इसको साफ करना है पूरे कपड़े में, जितना साफ करेंगे उतना ही बेहतर बनेगा। ये हो गया हमारा सैंडल तैयार, पूरा तैयार हो गया, ठीक है जी। ये देखें साइडों से देखें, ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें ये मैंने पेस्टिंग किया, खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, खुल लेगा, ठीक है, ये देखें, ये देखें आगे देखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, खुल लेगा, पूरी ताकत लगा रहा हूँ, देखें ये देखें जी, ये एक घर है और ये एक दूसरा, पूरा हार्ड डाल खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखें, ठीक है ना। कहीं पे भी गलती हो गई हो तो मुझे बता देना, अगर किसी को भी और कोई वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। बिरा मेहरबानी ली टीवी को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ऐसी चीज़ें मैं आपको, ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बहुत सारी बताऊंगा, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद करना।